फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम बात करेंगे आधार कार्ड के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप कैसे चेक कर सकते हैं कि आपका आधार कार्ड कहाँ कहाँ यूज हुआ है। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में वो तरीका आपको बताऊँगा कि जिससे कि आप पता कर सकते हैं कि आपका आधार कार्ड कहाँ कहाँ यूज हुआ है या वर्तमान में अभी जो है कि कहाँ कहाँ यूज हो रहा है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको पता चल पाएगा कि आपका कार्ड कहाँ कहाँ यूज हुआ है या कहाँ कहाँ अभी वर्तमान में यूज हो रहा है। तो फ्रेंड्स, चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो आप तक उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। तो फ्रेंड, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बताते हैं आपको कि आपका आधार कार्ड कहाँ कहाँ यूज हुआ है, आप कैसे पता लगाएंगे। तो फ्रेंड, सिंपल सा आपको काम करना है, आपको अपने मोबाइल में कोई भी एक ब्राउज़र ओपन कर लेना है। तो जैसा कि आप डिस्प्ले पर देख रहे हैं, हमने जो है कि क्रोम ब्राउज़र को ओपन किया है। तो यहाँ पर जब आप क्रोम ब्राउज़र को ओपन करेंगे तो यहाँ से आपको गूगल में आ जाना है। जब फ्रेंड्स आप गूगल में आएंगे तो यहाँ पे आपको सर्च करना है uidai.gov.in। जब फ्रेंड्स आप इतना सर्च करेंगे, कुछ इस तरह से यह वेबसाइट ओपन हो जाएगी। तो यहाँ से आपको नीचे आ जाना है। जब फ्रेंड्स यहाँ से आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको गेट आधार का ऑप्शन दिखेगा, उसके नीचे जो है कि आपको अपडेट आधार का ऑप्शन दिखेगा, उसके नीचे जो आप आएंगे तो आधार सर्विस का ऑप्शन दिखेगा। तो इसी पर आपको क्लिक कर देना है, जो आधार सर्विस का आपको ऑप्शन दिखेगा इस पर क्लिक कर देना है। जब फ्रेंड्स आप इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से यह ओपन हो जाएगी और इसके नीचे जब आप आएंगे तो यहाँ पे पूछ रहा है आपसे, देखिए कि वेरीफाई आधार, फिर उसके नीचे दे रहा है रिट्रेक्टिव आधार, फिर उसके बाद दे रहा है जनरेट वीआईडी, फिर उसके नीचे दे रहा है कि ऑफलाइन आधार वेरीफिकेशन, फिर उसके नीचे दे रहा है आधार लिंक स्टेटस, उसके नीचे दे रहा है कि सिक्योर योर बायोमेट्रिक, फिर उसके नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पर दे रहा है कि ऑथेंटिकेशन हिस्ट्री। तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। जब फ्रेंड्स आप इस पर क्लिक करेंगे तो फ्रेंड्स कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स जब इसमें आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि आपसे आपका आधार नंबर पूछ रहा है। तो यहाँ पर जो है कि आप अपना आधार नंबर भर दीजिए, उसके नीचे जो है कि आपका कैप्चा पूछ रहा है। तो यहाँ से आपको कैप्चा भर देना है, फिर उसके बाद आपको क्या करना है कि सेंड ओटीपी पर क्लिक करना है। तो आपके नंबर पर एक ओटीपी जाएगी, उसको जो है कि आपको भरना पड़ेगा, उसके बाद जो है कि सबमिट करना पड़ेगा। तो फ्रेंड चलिए हम इतना कर लेते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं कि आगे क्या करना है। तो फ्रेंड जब आप ओटीपी पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर लिखा है कि ओटीपी सेंड टू योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, चेक योर मोबाइल। तो यहाँ से हमारे मोबाइल पर जो है कि ओटीपी आ गई है। उसके बाद यहाँ आप नीचे आएंगे तो यहाँ से देखिए आपको ऑथेंटिकेशन टाइप चूज करना है। तो यहाँ से आपको जो भी देखना हो, बायोमेट्रिक ओटीपी या जो है कि बायोमेट्रिक एंड ओटीपी, तो आप सिलेक्ट कर लीजिए। चलिए हम ऑल पर सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद जो है कि यहाँ से आपको डेट सिलेक्ट करनी है। यह डेट इसलिए सिलेक्ट करनी है क्योंकि आप किस तारीख से किस तारीख तक देखना चाहते हैं वह शो होगा। तो चलिए हम जो है कि यहाँ से डेट सिलेक्ट कर लेते हैं। चलिए हम जो है कि फरवरी तक सिलेक्ट करते हैं यहाँ से, और उसके नीचे जो है कि यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेते हैं अगस्त तक, मतलब आज तक कि कहाँ कहाँ हमारा आधार कार्ड यूज हुआ है यहाँ पे शो होगा। उसके नीचे जो है कि यहाँ पे नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स दिखा रहा है, यहाँ पे जो है कि 50 रिकॉर्ड ही आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ से जो है कि आप टाइप कर सकते हैं कि आप कितना रिकॉर्ड देखना चाहते हैं। तो चलिए हम यहाँ से 10 नंबर टाइप कर देते हैं और यहाँ से हम 10 रिकॉर्ड देखना चाहते हैं। उसके नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको ओटीपी का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे आपको ओटीपी फिल करनी है। तो चलिए हम इसको ओटीपी को फिल कर लेते हैं। तो ओटीपी है 22 50 50। तो फ्रेंड जब आप ओटीपी पर क्लिक करेंगे तो आपको जो है कि वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड जब आप वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आपको शो होने लगेगा कि आपका आधार कार्ड कहाँ कहाँ यूज हुआ है। तो देखिए यहाँ पर हमारा जो है कि ओटीपी के लिए यूज हुआ है, उसके नीचे हम आएंगे तो यहाँ पर दे रहा है कि जो है कि सेकेंड टाइम भी ओटीपी के लिए यूज हुआ है, और यहाँ पर देखिए डेट भी दे रहा है कि 10/8/2020 को इतने टाइम पर हुआ था।
उसके नीचे आप देख सकते हैं कि डेमोग्राफिक्स में हमने यूज किया था। तो फ्रेंड्स इसी तरह से आप देख सकते हैं अपने आधार कार्ड की हिस्ट्री को कि आपका आधार कार्ड कहाँ कहाँ यूज हुआ है, आप चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए इस वीडियो को स्टॉप करते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से आधार कार्ड की हिस्ट्री को चेक किया जाता है। तो फ्रेंड चलिए मिलते हैं अगली एक नई वीडियो में। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँच जाए। तो फ्रेंड चलिए मिलते हैं अगली एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।